जी हाँ एवरीवन, हमारे बगीचे के संतरे पक चुके हैं और इसे खाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए इस वीडियो में आपको संतरे के बगीचे की सैर कराई जाए। जैसे कि आपको पहले ही बता दिया था, हमारे यहाँ 3 संतरे के पेड़ हैं। ये देसी हैं, इसलिए थोड़े खट्टे मीठे लगते हैं, मार्केट की तरह पूरे मीठे नहीं हैं। लेकिन इसका जूस सबसे अच्छा बनता है। जब संतरे कच्चे होते हैं तो इन्हें बच्चों से खूब बचाया जाता है, और जब यह पक जाते हैं तो सब साथ में तोड़ते हैं और मिल बांट कर खाते हैं। 3 संतरों के पेड़ों में से सबसे पहला यही पेड़ है, और इस पेड़ के संतरे पहले तो बहुत खट्टे लगते थे, मगर जैसा जैसा साल पार हो रहा है इसके फल मीठे लगने लगे हैं। इस पेड़ के फल इतने नीचे हैं कि इनको कोई भी आसानी से हाथ से भी तोड़ सकता है। अब बारी है ऊपर वाले फलों की, जो कि बहुत ऊपर है, तो हम इस डंडे की मदद से तोड़ते हैं। मैं संतरे तोड़ते तोड़ते ही भाभी को इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि वीडियो ऑन है या नहीं। पता चला संतरे तोड़ लिए और वीडियो ही नहीं लिया। ये जमीन पर डायरेक्ट गिरते हैं तो थोड़े खराब हो जाते हैं, और ज़्यादा कोई लोग नहीं थे तो मैं हाथ से ही कैच करने की कोशिश कर रही थी। वरना नॉर्मली हम किसी भी फ्रूट को तोड़ने के लिए जाली का यूज़ करते हैं। आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं कि हमने आम कैसे तोड़े थे, सेम उसी नेट का हम लोग यूज़ करते हैं। डंडा यूज़ करते करते ही मेरा डंडा किसी डाली में फंस गया था, और उसके बाद ये निकल ही नहीं रहा था, तो मेरी और भाभी की आर्ग्यूमेंट हो रही थी कि डंडा क्यों नहीं निकल रहा। अरे झलिए चलो ना और इस पेड़ के सारे संतरे तोड़ने के बाद हम लोग दूसरे पेड़ की ओर चले। उसी बीच में मुझे नींबू का पेड़ दिख गया था, तो मैं चेक करने गई थी कि कुछ नींबू बचे हैं या नहीं। ये रहा दूसरे संतरे का पेड़, इसमें सबसे ज़्यादा संतरे लगते हैं। हर साल इसके संतरे मीठे लगते थे, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार इसके संतरे थोड़े से खट्टे थे। इनका साइज़ बहुत ही छोटा है, मार्केट में जैसे नींबू मिलते हैं उससे बस थोड़ा बड़ा। काम करते करते वीडियो बनाना बहुत ही टफ होता है, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि हम यहाँ संतरे तोड़े या इसकी रिकॉर्डिंग करें। पहले वाले संतरे के पेड़ से जब हम संतरे तोड़ रहे थे तो डंडा थोड़ा टूट गया था, तो हम इसी की मरम्मत कर रहे थे। वैसे तो हमारे पास दूसरा भी डंडा है, लेकिन वो बहुत बड़ा है और ये छोटा डंडा थोड़ा कम्फर्टेबल है। आप में से किसी को अगर संथाली आती होगी और अगर इसका वॉल्यूम मैं थोड़ा सा अप कर दूं तो आपको भी हंसी आएगी कि हम क्या क्या डिस्कशन कर रहे हैं। पन्ना उड़ती है क्वीन। हाँ पे 5 मिनट। वेल वे 2 मिनट। नीचे नीचे के फल बच्चों ने पहले ही तोड़ के खा लिए हैं, तो अब मुझे ऊपर के फल तोड़ने पड़ रहे हैं। मैं वैसे अभी छुट्टियों में घर आई हुई हूँ, तो इसलिए सारे फल तोड़ रही हूँ ताकि मैं जब वापस जाऊँ तो अपने साथ इनको ले जा सकूँ। संतरों के अलावा मैंने केला, नींबू और भी बाकी फ्रूट्स और सब्जियाँ तोड़ी थी। दूसरे पेड़ से भी फल तोड़ने के बाद अब हम चले तीसरे पेड़ की ओर, जो कि हमारे बड़े मैदान की तरफ था। वो हमारी तालाब की दूसरी तरफ था, तो पहले हमें पैदल चल के तालाब पार करना था। ये जो आप लेफ्ट साइड देख रहे हैं, ये छोटा सा तालाब है जो किसी टाइम में दादाजी ने किसी से हाथ से खुदवाया था। मुझे तो चांसेस कम ही लग रहे हैं कि बड़े वाले मैदान में जो संतरे का पेड़ है उसमें संतरे बचे हुए हैं, तो उसमें हमें 4-5 संतरे मिले और फिर हम वापस आ गए।
पिछली बार भी मैं छुट्टियों में आई थी तो हमने संतरे तोड़े और मैं अपने लिए संतरे लाई थी। तो इसके कुछ क्लिप्स बचे हुए हैं जो आप इसमें देख सकते हैं कि ये छोटी सी बच्ची इतने इजीली इन संतरों को तोड़ पा रही है क्योंकि उस समय नीचे में भी संतरे थे। मुझे पिछली बार इन्हें तोड़ने में इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ी थी जितनी इस बार करनी पड़ी है। ये भी पिछली बार का ही वीडियो है। फाइनली ये रहे संतरे जो मैं अपने साथ लेकर जाने वाली हूँ। घर वाले तो वैसे इसे हमेशा खाते ही रहते हैं। ये फल पहले वाले पेड़ के हैं। इसमें आप देख सकते हैं इनका साइज थोड़ा बड़ा है। वहीं ये छोटे वाले संतरे हैं जिनका साइज छोटा है। तीसरे पेड़ के संतरे उतने बचे नहीं थे तो उसका वीडियो मैंने यहाँ डाला नहीं है, लेकिन फाइनली आप देख सकते हैं ये दो संतरे हैं पहले और दूसरे पेड़ के, और दोनों के साइज में कितना अंतर है, लेकिन टेस्टी दोनों ही हैं। और फाइनली ये सारी चीज़ें मैं अपने साथ वापस लेके जा रही हूँ। ढेर सारे संतरे, ये घर की ही नींबू है, इनका साइज बहुत अच्छा बहुत बड़ा होता है, साथ में घर के ही केले। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने अपने घर के नींबू और संतरे दोनों को कंपेयर करके दिखाया है कि यहाँ के नींबू कितने बड़े बड़े होते हैं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पर आपको और भी बगान से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएगी। साथ ही मेरे नेक्स्ट वीडियो पे हम देखेंगे कि हमारे घर में हमने भैया की बेटी का बर्थडे कैसे मनाया और उसमें हमने क्या क्या इंजॉय किया।